विश्व प्रसिद्ध दरगाह की चौचा शरीफ में ज़ायरीनों का तांता लगा हुआ है, जिसको देखकर नगर पंचायत अशरफपुर की चौचा के चेयरमैन ने आज हमारे चरण से खास बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। लगातार जमाना खातून तीसरी बार चेयरमैन चुनकर आई और 2016 का भी यूज कराया, 2012-13 का भी यूज कराया और ये मौका फिर मुझे इस नए निर्वाचन के बाद मुझे ये मौका मिला। पूरी तरह से दरगाह की साफ सफाई भी इंतजाम किया जा रहा है, दरगाह के अंदर पूरी लाइट की व्यवस्था ठीक ठाक की जा रही है, आम जायरीनों के लिए मोबाइल टॉयलेट भी मंगवाया गया है ताकि किसी भी तरह से जायरीनों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मखदूम अशरफ जहांगीर सिंघानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो ये उर्स है ये 632वां उर्स है और इस उर्स में कम से कम 5-7 लाख लोग आते हैं और सिर्फ हिंदुस्तान ही से नहीं बल्कि दूसरे ममालिक के लोग, हॉलैंड है, इंग्लैंड है, आपके साउथ अफ्रीका है, मलावी है और मॉरिशस है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, तमाम ऐसे मुल्क हैं जहां से लोग यहां पे आते हैं और मखदूम साहब की पहचान पूरे विश्व में है, पूरी दुनिया में है, हिंदुस्तान की ये नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एकलौती ये दरगाह ऐसी है जहाँ पर साल के 362 दिन एज ए पेशेंट, एज ए मरीज कम से कम 40-50 हज़ार लोग यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं। अब ये सालाना जो कोर्स हो रहा है इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसकी बहुत बड़ी समझिए कि बहुत बड़ा ये मेला होता है जिसकी पार्किंग की बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, हमारा जिले का जो शासन है, प्रशासन है, उनकी पूरी निगाह होती है, जगह जगह पे हम लोगों का नगर पंचायत के जरिए सीसी कैमरे लगाए गए हैं और फायर ब्रिगेड का भी इंतजाम किया गया है, पीएससी का इंतजाम किया गया है, तो जो भी सब लोग पूरा पुलिस प्रशासन नगर पंचायत सब लोग मिलकर एक अच्छी सुविधा यहाँ पर देने का हम काम करेंगे। हमें यकीन है कि आए हुए जायरीन की हम खिदमत करके और शायद मखदूम साहब की बारगाह में यही हमारी कलाजी अकीदत है।